ये काफी लोगों का सवाल होता है कि क्या ऑन पैसे में जो फाउंडरशिप उन्होंने ली है उसमें क्या हर साल रिन्यूअल करवाना पड़ेगा? तो यस, इसका जवाब क्या है ये जान लेते हैं, और ये कब तक रहेगा, किस प्रकार से रहेगा, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है, इसके अंदर ऑटो रिन्यूअल होगा, मैनुअल होगा, कैसे होगा, राइट। तो देखिए, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि आपका फाउंडर, जब ऑन पैसे में आप फाउंडरशिप ली है आपने, आप 2018 में आए हैं, 19 में आए हैं, 20 में आए हैं, 21 में आए हैं, 22 में आए हैं, उससे मैटर नहीं करता है। जब ऑन पैसिव लॉन्च होगा, ध्यान से सुनिए, जब भी ऑन पैसिव लॉन्च होता है तो उस लॉन्च की डेट से नेक्स्ट ईयर में फिर जो है ऑटोमेटिक रिन्यूअल का सिस्टम होगा। मतलब उदाहरण के लिए ऑन पैसिव एक एग्जांपल ले रहे हैं कि दिसंबर में मान के चलिए लॉन्च होता है, या नवंबर की जो भी डेट में लॉन्च होता है, तो इसमें लॉन्च होने के बाद में उसके एक साल बाद जो है आपका रिन्यूअल आएगा। मतलब इसमें कितने क्या डॉलर होगा ये तो हमें आगे बाद में पता चलेगा, लेकिन इसमें एक सिस्टम बहुत बढ़िया रहेगा, वो ये रहेगा कि जिस दिन ऑन पैसिव लॉन्च हुआ उसके एक साल बाद जो है आपका ऑटोमेटिक रिन्यूअल इसके अंदर होगा, राइट। तो इसमें आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, आपके ऑलरेडी वॉलेट में पेमेंट होगा, उससे ऑटोमेटिकली वो डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक ऑप्शन बहुत बढ़िया इसके अंदर ये भी दिया हुआ है कि आप चाहते हैं कि आपका ऑटोमेटिकली रिन्यूअल नहीं हो, आप चाहते हैं कि आप जो है मैनुअल तौर पर करें, तो उसमें एक बटन का ऑप्शन होगा, एक बटन होगा जिसके थ्रू आप जो है मैनुअल तौर पर भी जो है आप चाहते हैं कि भैया मैं जो है अपने इस टाइम में जो है नया रिन्यूअल लेना चाहता हूं, तो वो ऑप्शन भी इसमें मौजूद होगा। मतलब इसमें दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है, जिसके अंदर जो है ऑटोमेटिक भी आप ले सकते हैं ऑप्शन, या फिर जो इसके अंदर जो है मैनुअल भी ले सकते हैं। देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आप बिजली का बिल पे करते हैं या फिर आप कुछ भी जो मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, तो आप कहीं देखते होंगे कहीं जो वॉलेट होते हैं, जैसे कि मान के चलिए गूगल पे, फोन पे या जो भी होते हैं, उसमें एक ऑप्शन होता है कि जैसे ऑटोमेटिकली आप सेट कर दीजिए, जैसे आपको बिजली का बिल पे करना है तो उसमें जैसे आपकी 5 तारीख की डेट है, तो उस 5 तारीख के नेक्स्ट मंथ में ऑटोमेटिकली 5 तारीख को आपके अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, लेकिन इसको ज्यादा लोग यूज नहीं करते, मैन्युअली यूज करते हैं। ये एग्जांपल मैंने दिया आपको। वैसे ही ऑन पैसिव में जब ऑन पैसिव का जो रिन्यूअल आएगा उसमें जो है आपको जो है कितने क्या डॉलर होगा ये तो बाद में पता चलेगा हमें, लेकिन इसमें अच्छी बात ये होगी कि आपके वॉलेट से ही कट जाएगा, उसमें ऑटोमेशन के साथ में कट जाएगा, या फिर आप उसको जो है मैन्युअली कर सकते हैं, उसके अंदर जो है बटन का ऑप्शन आएगा। तो इसमें आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं यार, कितने क्या डॉलर होगा कि हर साल को पेमेंट देना पड़ेगा यार, ऑलरेडी आप इतनी इनकम बना चुके होंगे कि आपको जो है आई थिंक जेब से पे तो करना पड़ेगा नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में इतना पेमेंट आ जाएगा कि आपको जो है इसमें ऑप्शन मिल जाएगा कि भैया आप इसको ऑटोमेशन में रहने देना चाहते हैं या फिर इसको जो है मैन्युअली आप इसको रखना चाहते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम आएगा ऑन पैसे में, और ये ध्यान से सुनिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये लॉन्च होने की डेट से काउंट होगा, ना कि आपकी ज्वाइनिंग डेट से काउंट होगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर की ज्वाइनिंग डेट का यहाँ पे महत्व नहीं है, ऑन पैसिव की लॉन्च का डेट का यहाँ पर महत्व है। जिस भी दिन ऑन पैसिव लॉन्च हुआ उसके नेक्स्ट ईयर से जो है आपका वो जो भी रिन्यूअल चार्जेस है वो ऑटोमेटिक कट जाएगा, या फिर मैनुअल तौर पर आप ले सकते हैं।